तो सियासी हंगामा आपने झारखंड का देखा है, इसी के साथ आज हम ज्ञानवापी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज देश में बजट पेश हुआ है, ये अंतरिम बजट है, छठा बजट है जो निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया है, और इसी बजट पर बातचीत करने के लिए 24 का खाका, क्योंकि ये चुनावी साल है जिसमें ये बजट पेश हुआ है, जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आज इस पूरे बजट में जिसे कहा जा रहा है कि अच्छा है, संतुलित बजट है, लेकिन कहा जा रहा है फ्लैट बजट है, बहुत सारी चीजें नहीं है, तो क्या जानबूझकर सरकार ने, जो राष्ट्र प्रथम बार बार निर्मला जी कह रही थी, राष्ट्र प्रथम को आगे किया है और रेवड़ी को पीछे करने की कोशिश है, क्या है? अंजना जी, पहली बात तो मैं कहूंगा ये विकसित भारत का बजट है और उसकी मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये समावेशी और अभिनव बजट है, ये इंटरिम बजट के साथ साथ इंक्लूसिव और इनोवेटिव भी। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये सारा कि अगर आप देखेंगे इसके चार स्तंभ पे जोर दिया गया है, चाहे गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और सबके लिए कुछ ना कुछ है, गरीब के लिए भी है तो मध्यम वर्ग के लिए भी है। जहां गरीब के लिए पहले 4 करोड़ पक्के मकान मोदी सरकार ने बनाकर दिए, अब 2 करोड़ और पक्के मकान बनाने की गारंटी इसमें दी है। जहां मध्यम वर्ग वाले जो चौल में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, अब उनको वहां से बाहर निकल के अपना पक्का मकान मिले, उसके लिए योजना हम आगे लाने वाले हैं। जहां 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम पिछले 10 साल में हुआ, अब अगले 5 वर्षों में उस पर और काम किया जाएगा। जहां पर एक और 11,11,111 करोड़ रुपए कैपेक्स के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए रखा गया है, इससे पता चलता है कि पिछले साल से 11% ज्यादा है, पिछले साल 10 लाख करोड़ था, तो इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन देश में आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जैसे हम 5 शहरों में हमारे मेट्रो थी, अब 20 शहरों में है, दुनिया का 4th सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना, हमारे यहां 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनी, पहले 3,20,000 किलोमीटर थी, यानी कि दुगनी हो गई, 1,90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था तो अब 1,46,000 किलोमीटर हो गया है, 74 एयरपोर्ट थे तो अब 150 एयरपोर्ट हो गए हैं। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज की संख्या दुगनी होगी और अगले सालों में भी नए मेडिकल कॉलेजेस, नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का काम भी है। अब ये सारे इस दिशा में है, लेकिन साथ में आपको लाभ कैसे मिला, कोई आपके ऊपर टैक्स का बोझ नहीं डाला गया, 7 लाख रुपए तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे जिनके कई सालों से मुकदमे चल रहे थे, उनके मुकदमे खत्म हो जाएंगे, उनको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनको राहत मिली है। दूसरा, 40,000 बोगीज रेलवे की ऐसी हैं जिनका आधुनिकरण किया जाएगा, आरामदायक बनाया जाएगा और उसको वंदे भारत की तर्ज पे बनाया जाएगा। 3 रेलवे कॉरिडोर बनेगी जहां पर सीमेंट हो या आपके बाकी सिस्टम हो, 3 क्षेत्र ऐसे जहां पे रेलवे की क्षमता को बढ़ाने का काम किया जाएगा, चाहे एनर्जी है, सीमेंट है या पैसेंजर्स का है। इससे एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा और देश भर में जहां पर हमारे संसाधन है उनको वैल्यू एडिशन के लिए जहां जहां पहुंचाना है वो उसका काम किया जाएगा। ठीक है, 2019 में भी अंतरिम बजट ही था, तब पीयूष गोयल जी ने पेश किया था। अनुराग जी, किसकी छाप है इस बार के बजट पर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप है? 2019 में देखिए, आप लोगों ने टैक्स छूट जो है वो 1.5 लाख से सीधा 5 लाख पहुंचाया था, माना जा रहा था कि लोक लुभावन इलेक्शन ईयर है इसलिए इतना बड़ा रिबेट दे रहे हैं ताकि वोटर को रिझा पाए। इस बार लेकिन किसकी छाप है, मोदीनॉमिक्स छावी हुआ है क्या, किस वजह से आप लोगों ने अपना हाथ सीमित कर लिया है, मिडिल क्लास या किसी के लिए भी कोई ऐसा लोक लुभावन कदम नहीं उठाया गया? मैं इस पे एक ऐड करना चाहता हूं, अगर आपका खर्चा कम हो तो इसका मतलब आपकी आमदन भी बढ़ती है। जैसे 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जाएंगे, 300 यूनिट आपके बिजली के मुफ्त में मिलेंगे और साल की 18,000 रुपए तक की आपकी आय बनेगी, तो ये आपके हित में है। 1 करोड़ लोगों के लिए करने वाले हैं, 1 करोड़ घरों के लिए करने वाले हैं, लगभग 5 करोड़ लोगों को सीधे सीधे इस पे लाभ मिलेगा। इसी तरह से ही 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का कार्य किया जाएगा, 1 करोड़ लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो अब तक उनका देनदारी बनती थी। इसी तरह से ही 1 लाख करोड़ रुपया अब युवाओं को रिसर्च और इनोवेशन के लिए दिया जाएगा, जिससे आपको रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
स्वनिधि योजना में अब तक 78 लाख को लाभ मिला है, आगे और को मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में 70 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली, उनको इसका लाभ मिलेगा। 3 लाख रुपए तक उनको काम करने के लिए मिलेंगे, 15,000 रुपए की किट मुफ्त में मिलेगी। अगर आप एक के बाद दूसरे में जाओगे तो करोड़ों लोग आपको ऐसे देखेंगे जिनको लाभ मिलने वाला है। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना में जैसे अपनी आंगनबाड़ी वाली है, आशा दीदी है या हेल्पर्स हैं, इनको भी 5 लाख का मुफ्त का इलाज मिलेगा। अब ये सारा कुल मिला के आप देखेंगे तो सबकी कहीं ना कहीं बचत भी हो रही है, उसको सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपकी आय भी बढ़ेगी उससे जब आपका खर्चा कम होगा। किसान के लिए भी अगर आप देखें तो 2,80,000 करोड़ रुपए अब तक हम किसान सम्मान निधि में दे चुके हैं, अब अगले 5 साल तक वो मिलता रहेगा तो उसको लाभ मिलेगा। किस आम गरीब की थाली में अगर 12 लाख करोड़ का अनाज अगले 5 साल में मुफ्त मिलेगा तो उसकी कमाई ही है वो, क्योंकि उसका खर्चा नहीं हो रहा है। उसको चीनी का भी लाभ मिलने वाला है, उसको अनाज भी मिलने वाला है। इसी तरह से ही आपको एलईडी के बल्ब दिए गए तो आपकी बिजली की खपत कम हुई तो आपकी आमदनी ही बढ़ी है। अंजना जी, कुल मिला के अगर आपका खर्चा बचता है तो एक तरफ आपकी आय भी बढ़ती ही है। बिल्कुल, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, अंग्रेजी में कहावत भी है। लेकिन आज आप एक के बाद एक सारे काम गिना रहे हैं और जो जो वादे किए हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या पीएम मोदी की छाप इस बजट पे है? क्या एक संतुलित बजट देना, क्या अपने आप को रोक के रखना कि हमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है, मैं अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है तो उस पर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार इलेक्शन ईयर में एक टेम्पटेशन होता है कि खर्च कर दीजिए और फायदा पहुंचा दीजिए क्योंकि उसका लाभ तुरंत वोटों में मिल जाता है। ये किसकी छाप है, किसकी सोच है? देखिए, अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको दो उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। एक, पहला, जब 2014 में सत्ता में आए थे तब भी चुनौती थी कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, हमारी स्थिरता रही, निरंतरता रही और मजबूती के साथ नीतियों को इम्प्लीमेंट किया तो आज भारत लड़खड़ाती चरमराती से 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अगले 5 साल में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दूसरा उदाहरण, कोविड के टाइम पे आज जब सब लोग कहते थे लुटा दो सब कुछ, जान है तो जहान है, मोदी ने जान भी बचाई, जहान भी बचाया, 5 लाख रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया तो आज हमारे उद्योग बड़े हैं, रोजगार बढ़ा है और वो उनका एक्सपेंशन भी हुआ है। हम दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाले थे मोबाइल फोन के, आज निर्माता बन गए हैं। आज एप्पल ही 1 लाख करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहां पे कर रहा है, एप्पल जैसी कंपनी, इसलिए कह रहा हूं ट्वाइस खिलौने, हम दुनिया के इंपोर्ट करने वाले सबसे ज्यादा थे, आज हम 85-90% देश में बना रहे और निर्यात भी कर रहे हैं। अंजना जी, हमने केवल वोट के लिए नहीं, हमने देश को बनाने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी की, चाहे चुनाव हो या सामान्य समय हो, हर निर्णय जो होता है वो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश के हित में होता है। हमने युवाओं को रिसर्च इनोवेशन के लिए आगे बढ़ाया, जैसे स्टार्टअप का उदाहरण देता हूं, जब मैं वित्त राज्य मंत्री बना 2019 में, मोदी जी ने मुझे और निर्मला जी को बुलाकर कहा कि आपको नीतियां ऐसी बनानी है कि भारत का स्टार्टअप सेक्टर अच्छा करे। आज मैं आपके सामने आपके चैनल पर, देश के चैनल पर, आज तक पर कह सकता हूं 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं आज भारत में और दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। ये जो रिसर्च एंड इनोवेशन फंड है भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा जी, युवाओं को स्पेस से लेकर अलग सेक्टर्स में बल देगा। ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका क्या फायदा मिलेगा, गैस पाइपलाइन हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, 5G नेटवर्क हो, ये हमारे देश को भविष्य में और मजबूत करेगा जो विकसित भारत की नींव रखी है। आज शायद किसी को इसके भनक नहीं लगती, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों का लाभ देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का, मोबाइल सेक्टर हो, खिलौने का हो, अन्य सेक्टर या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग हमने देश में कर ली। तो अंजना जी, ये जो निर्णय है ये आज नहीं, ये विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, लाभ और इसके फायदे देश को तो मिलेंगे जी। एक आखिरी सवाल है सर, और वो सवाल ये है कि चूंकि 24 है, चुनावी साल है, कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अयोध्या से आया हुआ आत्मविश्वास है जिसका साइड इफेक्ट इस बजट में दिख रहा है। 19 में तो बहुत सारे ऐसे सॉप्स थे जिसकी वजह से वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश दिख रही थी, लेकिन इस बार अयोध्या का साइड इफेक्ट है कि आपने ऐसा कोई ऐलान बजट में नहीं किया है। देखिए, जो चुनावी वर्ष में केवल काम करते हैं उनके लिए ऐसी बातें जरूरी होती होगी। मोदी सरकार 24 घंटे 365 दिन देश के लिए काम करती रही और देशवासियों के लिए काम करती रही।
एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में सीएम से पीएम तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक एक पल देश के लिए जीता है और इसीलिए तो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। हमारी इकलौता राजनीतिक दल ऐसा है जिसने अपनी विचारधारा को कभी बदला नहीं। हमने कहा था ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, दिलाई। हमने कहा था 370-35 से निजात दिलाएंगे, दिलाया। हमने कहा था सीए का कानून लाएंगे, लाया। हमने कहा था राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। जो कहा था वो किया है और आज कहते हैं अगले 5 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, अगले 5 सालों में और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, अगले 5 वर्षों में समृद्ध संपन्न अपने देशवासियों को और भारत को बनाएंगे। हम मोदी की गारंटी देते हैं कि देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इसलिए ये बजट केवल चुनाव को देखकर नहीं है, ये बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि यह समावेशी और अभिनव बजट है। मैं अपने आप को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पा रही हूं, क्योंकि ऐसा दिन है जो आप बैठे हैं, लगातार बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच ज्ञानवापी में 30 साल बाद 93 में वहां पर जो व्यास तहखाना है वहां पर पूजा रुकी थी, बीती शाम वहां पर पूजा हुई है कोर्ट के फैसले के बाद। तो अब की काशी, कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत करते हैं। वर्षों तक अभी अंजना जी आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है सर। आपका मोबाइल मुझे लग रहा है पास है, उसके सिग्नल्स पकड़ ले रहा है ये फोन, ये माइक जरा सेंसिटिव होता है। जी बोले जी। तो वर्षों का इंतजार था जो पूरा हुआ है, लेकिन कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जो कोर्ट कहता है वैसे ही देशवासियों को करना चाहिए, क्योंकि जब तक रोक थी तब तक रोक थी। अगर अनुमति दी है तो निश्चित तौर पर कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो भी ऑर्डर आया होगा वैसे ही वह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी आज तक पर आने के लिए और हमारे साथ पूरी चर्चा छेड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि पूरा थीम राष्ट्रप्रथम का है, रेवड़ी से दूर ले जाकर सशक्त भारत बनाने का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।